एक कोर्स की फीस में तीन कोर्स, बिल्कुल सही। आज ही ज्वाइन करें सरस्वती कोचिंग कंप्यूटर क्लास। BCA, PGDCA और CPCT कोर्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से संबंधित सरस्वती कोचिंग कंप्यूटर सेंटर। हमारा पता है बिहारी जी मंदिर, वार्ड नंबर 5, बक्सवाहा। हमें संपर्क करें 8770614601। नमस्कार, आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋचा दुबे। आज की खबरों में शुरुआत करते हैं इस खबर से। बारिश पर भारी पड़ी आस्था। झमाझम बारिश के बीच पारंपरिक तरीके से हुआ गणेश विसर्जन। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना के साथ आज 10वें दिन नगर में विराजमान गणेश प्रतिमाएं एवं घर घर में विराजमान गणेश प्रतिमाओं का पारंपरिक तरीके से विसर्जन किया गया। इसी बीच बारिश आ गई। बारिश के चलते लोगों ने बारिश का भी लुत्फ उठाते हुए गणेश जी का विसर्जन किया। नगर में विराजमान गणेश प्रतिमाओं को श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ साज सज्जा कर गणेश प्रतिमाओं को गाजे बाजे के साथ मुख्य मार्गों से निकालते हुए गणपति बब्बा मोरिया अंगले बरसतु जल्दी आके जयकारों के साथ बक्सवाहा के महेंद्र सागर तालाब में विसर्जन किया गया। पूरे विधि विधान से विसर्जन हुआ। वहीं पुलिस की व्यवस्था चौक चौबंद रही। हमारे साथ हैं नगर परिषद के प्रतिनिधि, हम उनसे जानेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं और श्रद्धालुओं जो आ रहे हैं यहाँ अपनी अपनी मूर्ति लेके क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या व्यवस्था आने वाले समय है जो उसमें की जाएगी, क्योंकि नवदुर्गा भी आने वाली है। तो पहले तो हम आज की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते हैं कि क्या है। आज जो गणेश जी की प्रतिमाएँ हमारे नगर के मुख्य मार्गों से होते हुई तालाब पर पहुंची हैं, तो ऐसा महसूस हुआ कि आज आनंद की एक विभूति हुई और नगर में लगभग छोटी छोटी प्रतिमाओं के साथ हमारी माताएं भी आईं, बहनें भी आईं। 3 बजे दिन से यह कार्यक्रम लगातार विसर्जन का चल रहा है और हमारी पुलिस बल, तहसीलदार साहब और नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं उनने अच्छी व्यवस्था की है और व्यवस्था के अनुसार ही सभी प्रतिमाओं का क्रम से विसर्जन हुआ। और जो नगर पंचायत के कर्मचारी अपने को व्यवस्था किए हुए हैं ट्यूब की, उस पर ट्यूब पर से आराम से बच्चों को पानी के पास जाने नहीं देते हैं। आरती करने के बाद में प्रतिमाओं को उस पर रखा जाता है और नगर पंचायत के लोग ही और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था के अनुसार अंदर पानी में ले जाते हैं और क्रम से प्रतिमाओं को विसर्जन करते हैं, जिससे सभी लोग घाट पर खड़े होकर उनका आनंद लेते हैं। और उसी आनंद के साथ आज लगभग छोटी बड़ी प्रतिमाएं 200 के आसपास, छोटी छोटी प्रतिमाएं 200 के ऊपर और बड़ी प्रतिमाएं जो 7-8 प्रतिमाएं होगी, धीरे धीरे सभी का विसर्जन होगा। कुछ 2-5 प्रतिमाएँ रह गई हैं जो आने वाली हैं और ऐसा आनंद आया, ऐसा होता रहे। और आगामी समय में जो आपने बोला है कि देवी प्रतिमाओं के संबंध में, तो नगर में वही व्यवस्था पुनः अच्छी दुरुस्त की जाएगी, जैसे लाइट है, रोड है और नालियों की साफ़ सफाई है, नगर की साफ़ सफाई है, उसको और उज्जवल रखा जाएगा और ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि माताओं बहनों के लिए अपनी नव दुर्गा के समय में जो माताओं को ढारने के लिए जाते हैं तो रास्ता में नाली साफ रहे, जिससे रोड पर पानी ना बहे गंदा, और लाइट की व्यवस्था भी अच्छी रहे, जिससे माताओं बहनों को दिन में सुबह इस टाइम जो 4 बजे से ढालने को जाती हैं तो उनको सही व्यवस्था मिले, और शाम के भी लोग बाग उनके दर्शनों को जाते हैं वो व्यवस्था सही समुचित रहे। ऐसा सभी से निवेदन और आग्रह है कि एक दूसरे का सहयोग करें। नगर के लोग कहीं कोई त्रुटि होती है तो बताएँ, उसको सुधारा जाएगा। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसी प्रकार से कार्यक्रम में मिलते जुलते रहें और कार्यक्रम अपना सफल हो। जय श्री राम। यहाँ चूँकि हमारे साथ तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि सर आज क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ रही। नगर पालिका की तरफ से लाइट की एवं पानी वगैरह की, बैठने की व्यवस्था, कुर्सियों वगैरह की, पुलिस प्रशासन से शांति व्यवस्था की,
और तहसील की तरफ से कानून व्यवस्था के संबंध में व्यवस्था रहे, और अभी कार्यक्रम चल रहा है जो लगभग एक घंटे में खत्म होगा। जैसे कि तहसीलदार सर ने बताया कि यहाँ क्योंकि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई समस्या हो, जो यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, जो प्रतिमाएं लेके आ रहे हैं उनके लिए कोई यहाँ समस्या ना हो, जिसके लिए प्रशासन और प्रशासन के साथ यहाँ के जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं।